मैं इन रास्ते को गुजरता पे हम देखी कर दिए और अच्छा जाए देखे ना मैं खड़ गया तो मेरे को ये पता लगे कि सारी ज़िंदगी की दरख्त लाना कितना ज़रूरी है। यकीन करें वो शदीद किस्म का हादसा चल रहा भेजिए क्यों मैं इस गुजरा हूँ तो मैं अचानक खड़ गया मेरे को मज़ा आ गया सुकून महसूस है जितनी घाटी चाहूँ दस का मैं बैठना था मेरे को मज़ा आ गया ना दूजी तरफ माशाल्लाह नहर के छोटा बच्चा जो है मंझी धवेंदा खड़े थे मंझी ने उत्ते भी चढ़ा बैठे तो मंझी को धवेंदा भी बैठे क्योंकि एक नहर का सारा ये इलाका है। तो दूजी तरफ मतलब चावलों की लेबर शुरू है चावलों की काश्त थी पी बड़ी जबरदस्त किस्म की लेबर वक्फा की पी बराए चाह का चाह पकावन वाला चाह तैयार की बैठे तो लेबर मुकम्मल तौर पर पहुँच गई है चाह पीनी पी है जबरदस्त किस्म का माहौल है सारे इलाके चावल काश्त होने थी पैन नाल जना हुक्का भी पीना बैठे तो अपना माहौल को जबरदस्त किस्म का बनाई पैन। दूजी तरफ सारे गाँव के जंगल दरबार है तो वो पुराना दरबार है तारीखी दरबार है छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह तो सफाई तो करेंदे वेदन दरबार का माहौल ही देते वेदन तो नाल सफाई भी करेंदे वेदन ये जंगल ही कई सौ साल गुजर गए इन दरबार को इन मज़ार को तो सारी वही नहर के सिरे को जमीन उच्चा हैं तो पानी जारी नहर है ना डिस्ट्री वो है झिकी ए दूजी तरफ का देखो ना ये डिस्ट्री जारी है झिकी तो इस वजह को लोग पीटर ले पैन अपने रकबे की तरफ पानी वास्ते पीटर लेने ताकि चावलों की काश्त नहीं पिए जबरदस्त किस्म का माहौल बड़े पैन लेकिन यह कि पर पीटर देना खर्चा है नहर झिकी तो जमीन उच्चा की वजह को इन्हों को पीटर लाने पैगन तो पीटर माशाल्लाह चलते पैन बड़ा बेहतरीन पानी निकलता पिए अल्लाह पाक इन्होंने फसलों की बरकत अता फरमाए।